गुड आफ्टरनून टू ऑल वेलकम टू फिलअप फॉर्म आप सभी का फिलअप फॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है मैं रितु जैसा कि मैं मंडे टू सैटरडे थ्री पी एम आपकी एवरी डे क्लास लेती हूँ सी डी पी की तो सभी लोग जल्दी जल्दी कनेक्ट होते जाइए मेरे साथ और जो लोग कनेक्ट होते जाएँ वो अपना नाम भी चैट बॉक्स में डालते जाना गुड आफ्टरनून माही अवदेश जी गुड आफ्टरनून सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हुई है ताकि हम आज का एम सी क्यू स्टार्ट कर सकें तो आप सभी को पता है कि हम प्रीवियस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये जो क्वेश्चंस आपके ऑनलाइन पेपर में हुए थे उनको हम कर रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं ये सब आपके लिए क्योंकि तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए और एक बार सभी बता देना कि मेरी वीडियो ऑडियो सब कुछ आप लोग के लिए क्लियर है कि नहीं है तो फिर हम क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे एक बार आप लोग बता देना कि मेरी ऑडियो सही आ रही है आप सभी को कि नहीं गुड आफ्टरनून रोहित एक बार ओके okay कर देना सोनाली हेलो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सी टेट का जो पैटर्न होता है ना काफी रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं सभी पेपर्स के लिए तो आप उसको अच्छे से अगर करेंगे ना तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्लासेस में भी देखिए और प्रैक्टिस सेट और कोई थ्योरी बुक ना खरीद कर प्रैक्टिस सेट लीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए वो जितना आप सॉल्व करेंगे ना उससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा और आप अपने आप को कह सकते हैं ना मूल्यांकित कर सकते हैं कि आप कितना सही हैं ठीक है थीके? रोहित नोट्स में पूरे आप जो फिलअप फॉर्म की वेबसाइट है मैंने पर डे देख की डेट वाइज वहाँ पे नोट्स आपके डाउनलोड कर दिए हैं प्लस लिंक के साथ ताकि आपको कुछ समझ भी ना ना आ रही हो नोट्स से तो आप उस लिंक पे जाके मेरी क्लासेस को देख सकते हैं गुड आफ्टरनून मालती तो इसके लिए आप जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है ना आप वहाँ पे कॉल करिए उस ग्रुप में ज्वाइन हुई तो आपको नोट्स वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे ठीक है रोहित चलिए हमारी जी बोल रही हैं सब कुछ क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं तो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग के लिए बता दें जो न्यू मेंबर्स हैं फिलअप फॉर्म की हमारी इंस्टाग्राम चैनल भी है और हमारा टेलीग्राम है अलग अलग सब्जेक्ट्स की तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं ठीक है गुड आफ्टरनून लखन यस चलिए सी टेट और एच टेट की जो बैच है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है और इसके अलग अलग सब्जेक्ट्स की आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं जो 9 एम से स्टार्ट होकर आपकी 10 पी तक है और 3 पी पे सी की क्लास यानी रितु मैं आपकी क्लास लेती हूँ सी की ठीक है ना प्रैक्टिस सेट बहुत करना माही सभी के लिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो जितना आप सॉल्व करेंगे ना आपका जो तैयारी या प्रिपरेशन है ना वो मच बेटर हो जाएगा चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ओके okay, आप मैसेज करना रोहित अगर आप फोन नहीं उठता है तो आप मैसेज कर देना कि मुझे भी ग्रुप में ज्वाइन कर लो तो वो आपको कर लेंगे गुड आफ्टरनून श्वेता जी चलिए मैं सभी का वेट कर रही हूं ताकि आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट कर सके और जो ये तैयारी आपकी हो रही है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए हो रही है और सीडीपी का जो सेक्शन है ना ये फर्स्ट पेपर सेकंड सेकेंड पेपर दोनों के लिए है चलिए आगे बढ़ते हैं तो आज का जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो ट्वेंटी फोर दिसंबर का है और ये पेपर फर्स्ट है ठीक है तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और सभी कोशिश करना कि 20 सेकंड के अंदर कर लेना इसे आप अपना टाइम का भी शेड्यूल देख सकते हैं ना कि आप कितने समय में कौन सा सेक्शन कर पाते हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट है बिल्कुल श्वेता जी पास हो जाएंगे तैयारी अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आप कितना एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो वही आपको बताएगा कि आप एग्जाम में पास हो सकते हो कि नहीं क्योंकि सेल्फ इवोल्यूशन जो होता है ना वो सबसे बेटर होता है सेल्फ डायरेक्शन ये सब चीजें खुद को करनी है इस बार के जो एग्जाम होंगे अभी ट्वेंटी फाइव नवम्बर तक आपके फॉर्म डाले जाएंगे उसके बाद में भी चांसेस ज्यादा है कि फिफ्टीन दिसंबर के बाद आपकी एग्जाम स्टेट आ जाएंगी जो आपकी जनवरी तक जाएंगी ठीक है आंसर भी आने लगा माही ने भी कहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट डेवलपमेंट इज यूनि डायरेक्शनल एंड यूनि डायमेंशनल डेवलपमेंट इज मोडिफाइलेबल डेवलपमेंट इज टोटली जेनेटिकली प्रोमोगेमेट इंडिविजुअल अचीव डेवलपमेंट माइल स्टोन एट द सेम एज एंड पीस मैं हूं मैं तो सिर्फ आप लोग को गाइड कर सकती हूँ अच्छा गाइडेंस मिलना चाहिए क्योंकि मिस गाइड करने वाले भी बहुत लोग होते हैं पर अच्छी गाइडेंस हमेशा अच्छे वे पर लेके जाती है ठीक है तो मेरा गाइडेंस यही रहेगा कि आप प्रैक्टिस करो चीजों को समझो कॉन्सेप्ट क्लियर करो रट्टा नहीं मारना मिलागा ए आ रहा है तो विकास एक दिशी है और एक आयामी है विकास परिवर्तनीय है विकास पूरी तरह से अनुवांशिक रूप से क्रमोदेशित है व्यक्ति एक ही उम्र में गति और से विकास मिल के पत्थर प्राप्त करते हैं तो सभी ऑप्शन गलत हो जाते हैं और जो हमारा ऑप्शन सही होता है वो क्या होता है विकास परिवर्तनीय होता है मतलब विकास तो हमेशा चलता रहता है तो जरूरी तो नहीं है कि जैसा हम बचपन में थे वैसे ही बड़े रहेंगे ये चीजें तो हमेशा बदलती रहेंगी तो राइट आंसर बी होगा हाँ बिल्कुल सही है सभी का बी चलिए मीला कुमारी ने ए दिया था ए नहीं होगा चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा कि विकास में निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा प्रस्ताव करता है कि बच्चे उंगलियों की तुलना में अपेक्षाकृत पहले भुजाओं की मांसपेशियों पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं यानी जो विकास होता है वो क्या होता है ग्रॉस टू फाइन मोटर कौन सा सिद्धांत मानता है गुड इवनिंग जरीन लोकेश गुड आफ्टरनून क्वेश्चन नंबर टू का सभी आंसर करना रोहित जी बोल रहे हैं मैम मेरे को इस बार सी क्वेश्चन करना है सी टेट क्वालिफाई करना है ना रोहित जी बिल्कुल कर लेंगे बस अपने अपने ऊपर विश्वास रखिए और अपने प्रयास को हमेशा जारी रखिए कीप प्रैक्टिसिंग फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट प्रपोज दैट चिल्ड्रेन गैंडर कंट्रोल अर्लियर लोकेश जी का आ गया है बी ऑप्शन तो जो सेडल के, सिद्धांत है यानी कि शीर्षगामी जो सिद्धांत है वो सिर से पैर की तरफ विकास होता है ठीक है तो मतलब पहले बच्चा पैर आ, अपने सर को कंट्रोल करेगा फिर हाथ तो और पैर ये जो होता है ये हमारा होता है सेफ्लो कैंडल सिद्धांत यानी शीर्षगामी सिद्धांत और ग्रॉस टू फाइन मोटर यानी केंद्र से भुजा परिधि की ओर जाना जो होता है पहले बच्चा हाथों से किसी चीज़ को बड़े चीज को पकड़ना सीखता है फिर फिंगर से छोटी छोटी चीजें करना राइटिंग करना ये सब सीखता है तो ग्रॉस टू फाइन मोटर जो जाता है वो हमारा आता है प्रोक्सिमो प्रॉक्सिमो डिजिटल सिद्धांत यानी कि अधोगामी सिद्धांत तो राइट आंसर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ठीक है जो बोलता है कि ग्रॉस टू फ्राइन मोटर मतलब पहले हम अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करना सीखते हैं फिर हमारी जो छोटी मांसपेशियां हैं उसको यूज करना हम सीखते हैं जैसे हाथों का आंखों का उंगलियों का पैर की उंगलियों का ये सब यूज करते हैं तो पहले ग्रॉस मोटर जो बड़ी मांसपेशियां हैं वो कार्य करना शुरू करती हैं फिर हमारे शरीर की छोटी मांसपेशियां इसीलिए बोला हम पहले अपनी भुजाओं का इस्तेमाल करते हैं फिर हम अपनी उंगलियों का यूज करना शुरू कर देते हैं ठीक है तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ए होगा यानी कि वन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सभी आंसर करना और ध्यान से करना हाँ लेखनी आपका भी आंसर बिल्कुल सही है और आपने मुझसे शायद सेलेबस हिंदी के लिए कहा था ठीक है तो आज मैं लास्ट में इस पीडीएफ के साथ आपको हिंदी का सेलेबस भी डाउनलोड वहां पे पीडीएफ डाउनलोड कर दूंगी तो आप वहां से ले लेना ठीक है लेखनी प्रियंका सब सभी ए बोल रहे हैं ठीक है चलिए थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि फिजिकल ट्रेड्स ऑफ कलर ऑफ आईज एंड हेयर आर किस चीज पे होते हैं आंखों और बालों के रंग शारीरिक लक्षण हैं, किसके हैं पर्यावरणीय कारकों द्वारा प्रमुख रूप से निर्धारित किया जाता है विरासत में मिलता है सांस्कृतिक कारकों द्वारा प्रभाव अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच बातचीत का एक परिणाम का बोल रहे हैं डी अगर हम बात करें कि आंखों का रंग बालों का रंग हमारा शरीर हमारा फेस हमारा कलर ये सब किससे प्रभावित होता है तो ये क्या चीज होते हैं हमारे जींस से हमारे हेरिडिटी से इंस्पायर होते हैं तो ये सब चीजें जो आती हैं किससे आती है, किस है? इनहेरिडिटी हमें अपने विरासत में मिलता है हम कहते हैं ना कि आप बिल्कुल अपने माँ जैसे दिखते हो आपकी आंखें आपकी माँ जैसे है आपके बाल आपके पिता के हैं तो ये सब चीजें क्या होती है अनुवांशिकी होते हैं इसको हम चेंज नहीं कर सकते ये हमें हमारे पेरेंट्स और हमारे पूर्वजों से मिलती है तो राइट आंसर जो होगा हमारा विरासत में मिला हुआ ठीक है हाँ डी नहीं होगा अनुवांशिक और पर्यावरण वो विकास की बात होती है जब तो इन दोनों का इफेक्ट होता है लेकिन यहाँ पे केवल अनुवांशिकता की बात हो रही है यानी जिसमें हमारे शरीर के बात हो रही है कि हमारे आंखों का रंग हमारा स्किन कलर हमारा बाल हमारा मोटापा हमारे शरीर का आकार ये सब जो होता है ये सब किससे मिलते हैं हमें अपने माता पिता के द्वारा हमारे में हस्तांतरित होते हैं गुड आफ्टरनून प्रियंका गोविंद गोविंद जी का है बी हाँ बिल्कुल सही आ रहा है जिन्होंने ए किया था उनके लिए अरे फोर आ, किया था उनके लिए मैंने इसको क्लियर कर दिया हाँ जेंटी हाँ फोर ऑप्शन नहीं होगा ठीक है क्योंकि इसमें पर्यावरण बात कर दिया गया ना पर्यावरण और अनुवांशिकता के, के बीच क्या है इंटरेक्शन है ऐसा नहीं है ठीक है चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिएगा इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन स्कूल मास रिलीजन या फैमिली बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी कौन है तो ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे काफी रिपेटेड है और सोशलाइजेशन का याद रखे रहेगा कि हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी कौन सी है और हमारी सेकेंडरी एजेंसी कौन सी है गुड आफ्टरनून प्रीति क्वेश्चन नंबर फोर का सभी आंसर करना प्रियंका टू का डी बता रही है हाँ, बिल्कुल सही है आ, माही इसका जो राइट right आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा फैमिली फैमिली हमारी फर्स्ट एजेंसी है सोशलाइजेशन की ठीक है हाँ रोहित बिल्कुल सही जवाब आपका भी आ रहा प्रियंका, आपका भी राइट है जरीन ने भी सही किया मीला कुमारी ज्योत्सना माही सभी ने आंसर डी किया बिल्कुल राइट है डी इज द राइट आंसर या फोर आप कर लीजिए ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ बढ़ते हैं जब कोई बच्चा केवल ठोस वस्तुओं के साथ एक समस्या को हल कर सकता है तो उसकी समस्या हल करने की विशेषता के चरण के अंतर्गत आते हैं जो फोर स्टेजेस की बात की थी किसने की थी जीन प्याजी जी ने की थी इन्होंने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के चार अवस्थाएं बताई थी उन्हीं अवस्थाओं में से एक ये विशेषता है जो आपको बतानी है तो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर सभी करना

प्री ऑपरेशनल स्टेज को बोलेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और कॉन्क्रीट परिचालन को बोलेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फॉर्मल ऑपरेशन को औपचारिक परिचालन चरण या संक्रियात्मक अवस्था लेखनी ने बोला सी लोकेश ने हाँ जब भी हम ठोस वस्तु या ठोस मतलब कंक्रीट मूर्त वस्तुओं के साथ जब समस्या को हल करता है तो वो कौन सी एज होती है हमारी सेवन टू इलेवन होती है और वो हमारी होती है कंक्रीट ऑपरेशनल uh, स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ठीक है इसका सी होगा बी नहीं होगा कुछ लोगों ने रोहित ने और मिला ने बी बोला है तो बी नहीं होगा ये प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी जब भी संकेतों के माध्यम से संकेतिक चीजों के बारे में बात हो रही हो खेलने वाली चीजों की तो वो हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है ठीक है सेजल ने बोला है सी अजोत्सना का भी है सी बिल्कुल सही है आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसमें किसी किसी को किसी को को कोई कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्वेश्चन नंबर में तरह का confusion? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना और औपचारिक परिचालन में क्या करेंगे जब चीजें हमें अमूर्त रूप में है यानी जो चीजें हम नहीं भी दिखा सकते उस पर भी बच्चे परिकल्पनात्मक चिंतन हाइपोथेटिकल थिंकिंग कर सकते हैं ठीक है हाँ इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम और जितने लोग जुड़े हैं अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप सभी लाइक भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अ चाइल्ड मेड अ मेंटल नोट दैट ऑल क्रीचर दैट बर्ड्स लेटर शी सॉ बैट इन अ पिक्चर बुक एंड आइडेंटिफाइज एट इट एज अ बर्ड इंस्टेड ऑफ मैमल द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन डिस्क्राइब described here is assimilation accommodation या serialization या conservation answer करना ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं बहुत अच्छी बात है मैं ये चाहती हूँ कि आपको किसी भी तरह के कि, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है इससे पता चलता है कि आपका कांसेप्ट क्लियर है चलिए एक बच्चे ने एक मानसिक नोट बनाया कि सभी जीव जिनके पंख हैं और जो उड़ सकते हैं उन्हें पक्षी कहा जाता है बाद में उसने एक तस्वीर की किताब में एक चमगादड़ देखा और इसे स्तन पाई के बजाय एक पक्षी के रूप में पहचाना कि ये प्रक्रिया वर्णित करती है ज्ञान के निर्माण में क्या बोलते हैं इसको प्याजे जी के वर्ड में एसिमिलेशन आत्मसात एकमाउंडन यानी जो काट छाट करते हैं उसको बोलते हैं सीरिएशन यानी क्रम में लगाना संरक्षण यानी दोनों के आकार प्रकार में अंतर करना सी का बी सभी बोल रहे हैं ओके नॉट कंफर्म बोल रहे हैं हम ठीक है अगर मैं बोलू अकमाउंडेशन यानी कि नए नॉलेज में हमने प्रीवियस नॉलेज को जोड़ा और उसके बाद से उसमें जब वो फिट नहीं बैठा तो हमने अपना स्कीमा चेंज कर दिया अपनी जो जानकारी है उसको चेंज करके फिर से नए ज्ञान को ऑब्जर्व एक्वायर कर लिया ठीक है तो इसको बोलते हैं एक्माउंडेशन और एसिमिलेशन क्या होता है समावेशन बोलते हैं इसको समावेशन तब होता है जब लोग नए चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जिसे वह पहले से जानते हैं जैसे वो पहले से पक्षी को जानता था इसलिए उसने पक्षी को उसमें जोड़ लिया यानी अपने प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ कनेक्ट कर दिया बट अभी उसने वो ये नहीं जाना कि ये स्तनधारी है या मैमल है ठीक है तो यहाँ पे बस उसने एक नॉलेज को दूसरे नॉलेज से जोड़ के इंफॉर्मेशन गेन की है ना कि उसमें एकोमोडेशन या काट छाट नहीं किया वो तब होगा जब वो उस चीज पे बिलीव करने लगेगा दूसरों के द्वारा उसको सुधार कर दिया जाए ठीक है तब हमारा एकमोंडेशन होगा यहाँ पे क्या होगा एसिम्यशन टेक प्लेस वेन पीपुल ट्राई टू अंडरस्टैंड न्यू बाई फिटिंग इन इन टू वॉट दे ऑलरेडी नोन ठीक है इसमें नए ज्ञान को जोड़ रहे हैं जो वो पहले से जानते हैं सिर्फ जोड़ रहे हैं एक इंफॉर्मेशन अपनी स्कीमा में अः ला रहे हैं ठीक है संगठित कर रहे हैं तो ये जो होता है वो होता है एसीमुलेशन ठीक है यहां पे अगर कहता है, नहीं ये आप स्तन या मैमल नहीं है आ, ये मैमल है ये एक बर्ड नहीं है यानी उसने अपने स्कीमा को चेंज कर दिया तब हमारा होता एक्माउंडेशन ठीक है लेकिन यहाँ पे हमने अपने प्रीवियस नॉलेज में एक और नॉलेज को उसके आधार पर जोड़ा है सिर्फ तो वो हमारा होता है एसीम्युलेशन ठीक है तो राइट आंसर जो होगा हमारा एसीम्युलेशन या समावेशन या आत्मसात करना ठीक है गुड आफ्टरनून हाँ पूनम दुबे ने किया है ए आ, ए इज द राइट आंसर लेखनी ने भी ए बोला है क्लियर है अभी सभी को कि समावेशन क्या है आ, या आत्मसात करना यानी आत्मसात मतलब ही समझ रहे होंगे नए नॉलेज को अपने अंदर डालना और एक्मोंडेशन क्या है उस नए नॉलेज में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम उसको सुधार करते हैं और उन दोनों में और इन दोनों के एसिमिलेशन और एकमाउेशन दोनों में जब बैलेंस uh, बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं एडोप्शन या अनुकूलन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हु प्रपोज द टर्म जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट लॉरेंस कोहलबर्ग लेव वायगॉट्स की जोमर ब्रूनर या फिर जीन प्याजे समीपस्थ विकास का क्षेत्र शब्द का प्रस्ताव किसने रखा था विकल्प हमारा जो है लॉरेंस कोहलबर्ग लेव जो, जोरोम ब्रूनर या फिर जीन प्याजे हाँ बबली बोल रही है का ए, हाँ, प्रियंका का आंसर फास्ट आया है तो बिल्कुल सही आंसर आया है हा माही जी ने भी आंसर कर दिया है तो सेवन का बी बी इज द राइट आंसर बिल्कुल सही है आंसर आपका तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा होंगे इन्होंने ही जेड पी डी की बात करी थी हाँ प्रियंका आपका आंसर बिल्कुल सही है निरुपम हाँ भी मीला भी शाहीन भी सभी का हाँ मतलब ये आप लोगों को पूरी तरह से रट गया है याद हो गया रटा है रटा ही नहीं समझ भी जाइए कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है वो संभावित क्षेत्र है जहाँ पे बच्चा अपने किसी भी कार्य को करने के लिए खड़ा होता है संभाव संभावना प्रकट करता है और अपने से मोर नॉलेजेबल पर्सन की मदद से वो अपने टारगेट तक पहुंचता है ठीक है लोकेश बोल रहे हैं सेवन का डी डी ऑप्शन नहीं होगा जो uh, समीपस्थ विकास का जो uh, सिद्धांत दिया था वो लेव ने दिया था ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जिनको इंग्लिश के लिए है उनका इंग्लिश में भी है और जिसको हिंदी के लिए है वो भी ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्पेसिफिक द मेजर डिफरेंस बिटवीन जीन प्याजे एंड लेव वायगॉट्स की व्यू ऑफ कॉम्गिनेटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन ऑप्शन आपके सामने है तो इतना मैं पढ़ूंगी नहीं फटाफट देखना और बताना ठीक है जबकि पियाजे ने अपनी दुनिया को समझने के लिए बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों पर जोर दिया वायगोट्सकी ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक रूप के मध्यस्थता प्रक्रिया के रूप में देखा जो दोनों के बीच के डिफरेंस पूछा जा रहा है वो है एथ का सभी करना जबकि प्याजे ने बच्चों के सक्रिय स्वतंत्र प्राणियों के रूप में देखा वायगोटी ने बच्चों के होने के रूप में देखा मुख्य रूप से उनके पर्यावरण द्वारा नियंत्रित यानी पर्यावरण द्वारा नियंत्रित बच्चों को माना उन्होंने बच्चों को सक्रिय निर्माण करता बोला जीन प्याजे ने जबकि प्याजे ने बच्चों को संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व पर जोर दिया वायगोट्सकी ने संज्ञानात्मक विकास के जैविक पक्ष पर जोर दिया एर्थ का है कि प्याजे के अनुसार बच्चे आत्म मार्गदर्शन के लिए खुद से बात करते हैं और वाइगॉट्सकी के लिए बच्चों की बात अहंकार का संकेत करती है तो फटाफट सभी आंसर करना कि इसका राइट आंसर क्या होगा एट्थ का सभी बी बोल रहे हैं अगर मैं एट का बी बोलूं कि जबकि प्याजे ने बच्चों को सक्रिय स्वतंत्र प्राणियों के रूप में देखा बिल्कुल सही है लेकिन वाई की जी ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो समाज या पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होते हैं उन्होंने ये बोला कि वो समाज और अपने पर्यावरण से सीखते हैं उनसे जो चीजें देखते हैं वो सीख के खुद ही समझ का निर्माण करते हैं समाज के परिपेक्ष में ठीक है तो ये भी गलत हो जाएगा अगर थर्ड जो कह रहे हैं जबकि प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा को महत्व दिया तो अगर हम बोले तो वाईगॉट्सकी जी ने भाषा को ज़्यादा महत्व दिया था और प्याजे जी ने जैविक पक्ष को आई को बेसिकली ज़्यादा महत्व दिया था वातावरण को ज़्यादा महत्व दिया था ठीक है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है प्याजे के अनुसार बच्चे आत्म मार्गदर्शन के लिए खुद बात करते हैं ये बात वाईगॉड्सकी जी ने कहा था कि बच्चे अपने आप को निर्देशित करने के लिए प्राइवेट स्पीच करते हैं और प्याजे वाइगॉट्स की जी ने और इगोसेंट्रिक की जो बात कही थी वो प्याजे जी ने कही थी तो राइट आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा कि प्याजे ने अपनी दुनिया को समझने के लिए बच्चों को स्वतंत्र प्रयासों पर जोड़ दिया और वाइगॉट्सकी ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक इंटरेक्शन को महत्व दिया ये दोनों जो डिफरेंस होता है ये होता है राइट आंसर ठीक है एर्थ का जो होगा कि बीच में अंतर को सही ढंग से निर्देश मतलब जो सही वो दिखा रहा है दोनों में अंतर क्या है वो हमारा होगा का ए ठीक है जिनको इंग्लिश में भी है उसके लिए भी देख लीजिए वाइल पिगेट इंफेसिस चाइल्ड इंडिपेंडेंस एफर्ट टू मेक सेंस ऑफ देयर वर्ल्ड वाई की व्यू कॉन्गिनेटिव डेवलपमेंट एज अल सोशली मेडि मिडिएट प्रोसेस ठीक है ना दोनों के बीच में मध्यस्थता है जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो सामाजिक अंत क्रिया द्वारा होता है तो एर्थ जो हमारा होगा उसका राइट right आंसर होगा वन ठीक है ना चलिए इसमें किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट नहीं है ना इस क्वेश्चन में जो भी दिया विशेषता वो उल्टा दिया है जो प्याजे जी ने कहा वो वाइगोड्स को दिया है जो वाइगोकी ने कहा वो प्याजे जी को दिया है ठीक है हाँ एर्थ का ए मीला जी का जवाब आया है ए निरूप का ए आया है प्रियंका ने भी ए कहा है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ही होगा ठीक है ना उन्होंने जो कहा वो दुनिया में अपने वातावरण में जो होता है जैविकी रूप से लिया और वाइगोट्सकी जी ने सामाजिक विकास को लिया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नाइन नंबर का क्वेश्चन देना सभी आंसर करना कि फातिमा का तर्क है आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि तब आपके माता-पिता को आप पर गर्व होगा फातिमा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत के किस चरण के अंतर्गत आती है यानी वो क्या कर रही है किसी की नजर में अच्छा बनने के लिए कोई कार्य करने के लिए कर रही है तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने जो थ्री लेवल्स दिए थे हर लेवल्स में दो स्टेज यानी सिक्स स्टेजेस की बात कही थी उन्हीं में से आपको बताना है कि ये किस स्टेज की बात हो रही है नाइन का सी बोल रही है प्रियंका बिल्कुल सही है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास यानी किसी की नजरों में अच्छा बनने के लिए कार्य करना ठीक है फातिमा रीजन यू शुड बी ऑनेस्ट बिकॉज देन योर पेरेंट्स वुड बी प्राउड ऑफ यू इन विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग डज अ फातिमा कम अंडर सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन या पनिशमेंट या ओबिडेंस ओरिएंटेशन सी सभी बोल रहे हैं सभी को क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं थर्टी तो क्वेश्चन हमें करना है गुड गुड बॉय गर्ल ओरिएंटेशन होगा तो सी इज़ द राइट आंसर हाँ सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है इसके लिए सभी ने सही आंसर किया है चलिए आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन कक्षा में सीखने के अनुकूल वातावरण में मदद करेगा सभी छात्रों को भागीदारी के समान अवसर प्रदान करना कक्षा में क्षमता आधारित कठोर समूह बनाना कक्षा में केवल उच्च उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करना छात्रों को किसी भी तरह से उच्च अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प टू क्रिएटिंग कंडिव कंटिव लर्निंग इन्वायरमेंटल इन क्लास लर्निंग एनवायरमेंटल इन क्लास टेन का ए बोल रहे हैं हाँ सभी छात्रों को हमें क्या करना है प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू ऑल स्टूडेंट ठीक है तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा सभी छात्रों की भागीदारी में समान अवसर प्रदान करना बिल्कुल सही माही ने आंसर किया सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है सभी सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन बताना है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशाली प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता है जो ऑप्शन है आपके सामने है सीखने का आकलन करने के लिए लगातार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षण परीक्षाओं में सर्वाधिक स्कोर करने पर जोर कक्षा में लचीला पाठ्यक्रम और मूल्यांकन बायो प्रेर, प्रेरकों को लगातार उपयोग फ्रिक्वेंट पेपर पेंसिल बेस्ड टेस्ट ऑन एसेसिंग लर्निंग इम्फेसिस ऑन स्कोरिंग हाइएस्ट इन एग्जामिनेशन करिकुलम एंड इन फ्लेक्सिबल करूम फ्रिक्वेंट यूज ऑफ एक्सट्रेनिसिक मोटिवेटर्स इलेवन का थ्री सभी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है जो हमारा राइट right आंसर जाएगा वो हमारा थ्री के साथ जाएगा थ्री इज द राइट आंसर हाँ रोहित मिला सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है और अपने अपने आ, स्कोर भी करते जाना सब कि आप कितना कर पा रहे हो ठीक है ना तो अभी तो जितने पेपर कराए होंगे उसमें आपने देखा होगा काफी क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं ठीक है हाँ ज्योत्सना आपका भी जवाब बिल्कुल सही आ रहा है साइन ने भी सही आंसर किया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में एक बच्चा सक्षम है सहकर्मी समूह के स्वभाव इरादों और मनोदशाओं के लिए उचित प्रतिक्रिया देने के लिए तो उसके पास कौन सी बुद्धिमत्ता है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आंसर करिएगा अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इफ अ चाइल्ड इन अ क्लास रूम इज एबल टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द ट्रम्प ट्रम्प दामेंट इंटेंशन एंड मूड्स ऑफ यूप शी हैज बॉडी कैनेटिक इंटेलिजेंट इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या म्यूजिकल इंटेलिजेंस साहिंद ने आंसर कर दिया ट्वेल्व का सी हाँ इंटरपर्सनल दूसरी की भावनाओं जहां पे इंटर हो गया मतलब दूसरे लोगों की भावनाओं को समझने में वो अच्छा है तो जो हमारा राइट आंसर जाएगा वो थ्री के साथ जाएगा हाँ बिल्कुल सही सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं while teaching, uh, teaching the concept of occupation monica showed flashcard of both men and women in non-traditional roles this strategy will help in promoting gender stereotypes promoting gender stereotype flexibility promoting gender hierarchy yeah modeling gender typing व्यवसाय की अवधारणा को पढ़ाते हुए मोनिका ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के फ्लैश कार्ड दिखाए गैर पारंपरिक भूमिकाओं यानी आदमियों को औरतों के कार्य करते हुए औरतों के आदमियों के कार्य करते हुए ये होती हैं गैर पारंपरिक भूमिकाएं इस रणनीति में मदद मिलेगी किसकी मिलेगी लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना लिंग स्टीरियो टाइप लचीलेपन को बढ़ावा देना लिंग पदानुक्रम को बढ़ावा देना या मॉडर्निंग टाइप करना थर्टीन का ए कर रही है तो थर्टीन का ए प्रियंका कैसे होगा ठीक है टीचर तो वो दिखा रही है ना व्यवसाय कि जो कार्य एक औरत कर सकती है वो आदमी भी कर सकता है जो कार्य एक आदमी कर सकता है वो औरत भी कर सकती है तो वो क्या कर रही है लिंग स्टेरियोटाइप जो आपके जेंडर लिंग रूढ़िवादिता है उसको क्या लचीलापन फ्लेक्सिबल बना रही है सभी ए कर रहे हैं तो ये गलत होगा सभी का मैं बता दू आप सब क्यों कर रहे हैं ये बताना अगर गैर पारंपरिक पारंपरिक भूमिकाओं को दे रही है कि एक जो जेंडर स्टीरियो क्या होता है कि बालना की औरतें केवल घर का कार्य कर सकती हैं आदमी केवल बाहर का कार्य कर सकते हैं औरतें केवल क्या कर सकती हैं टीचिंग कर सकती हैं और इनके लिए जो होता है ना एक टाइमिंग नॉट नाइन टू फाइव पीएम तक ही इतना ही कार्य होता है तो ये कार्य को वो अलग तरीके से दिखा रही है हाँ, अभी सभी सही करने लगे कि वो क्या करे इसके लचीलापन यानी फ्लेक्सिबल होना हम परिवर्तनीय हैं हम बदल सकते हैं इस सब चीजों को तो हर कार्य सभी के लिए बना है इसमें सब इक्वल है किसी के लिए नहीं स्पेसिफाई है कि आप इसी पर्टिकुलर कार्य को करोगे ठीक है हाँ तो जो हमारा सेकेंड ऑप्शन जाएगा वो राइट होगा थर्टी नंबर क्वेश्चन के लिए ठीक है फॉलोइंग इज नॉट द हाइयर ऑर्डर थिंकिंग स्किल एनालिसिस इवालूशन क्रिएशन या रिकॉल निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च क्रम सोच कौशल नहीं है थर्टीन का भी जोतना हाँ। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे सभी देखना कि विश्लेषण मूल्यांकन सृजन या याद रखे फोर्टीन का सभी आंसर करना फटाफट जल्दी जल्दी करना सभी डी हाँ बिल्कुल सही आ रहा है सभी का आंसर इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा याद रखना सोचना कौशल हाइयर ऑर्डर थिंकिंग स्किल नहीं है ठीक है ये तो रट्टा मारना है ये बेसिकली छोटे बच्चों के लिए तो हम सही कर सकते हैं पर बड़ों के लिए नहीं कर सकते रट्टा तो वैसे किसी को मरवाना ही नहीं चाहिए हाँ डी निरूपम ओझा बोल रहे हैं बी मूल्यांकन नहीं होगा मूल्यांकन तो हम करते हैं मूल्यांकन करना किसी चीज का सही गलत हर चीज को सोच समझ के जो हम करेंगे वो तो एक उच्च क्रम का हायर थिंकिंग ऑर्डर है ही है तो जो नहीं है वो पूछ रहा है याद रखना ठीक है डी होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का उदाहरण है सीखने के न्यूनतम स्तर के मानदंड पर आधारित एक परीक्षा मूल्यांकन मानदंड के रूप में प्रतिशत के साथ एक परीक्षण मूल्यांकन मानदंड के रूप में जेड स्कोर के साथ एक परीक्षण एक परीक्षा जो छात्रों को एक कक्षा में रैंक देती है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का सभी आंसर करना हाँ प्रियंका बिल्कुल सही बोल रही है रिकॉल करना ये कोई हायर ऑर्डर थिंकिंग नहीं है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का सभी आंसर करना फिफ्टीन का सी बोल रही है माही तो इसमें क्या है मानदंड संदर्भ यानी हमें से बचने के सीखने के क्या वो कहा तक सीख सकता है कितना अच्छा वो परफॉर्मेंस कर रहा है हमें बस ये देखना है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीखने के न्यूनतम स्तर के मानदंड पर आधारित एक परीक्षा वो न्यूनतम स्तर यानी वो कहाँ तक सीख सकता है वो कहाँ पर बेसिकली है और कितना अच्छा वो कर सकता है इसको हमें मापना है तो राइट आंसर जो होगा जेड स्कोर नहीं होगा यहाँ पे सीखने से संबंधित पूछा हुआ है तो अटेस्ट बेस्ड ऑन बी नहीं होगा ठीक है ए होगा हाँ लखन जी का ठीक है अटेस्ट बेस्ड ऑन क्राइटेरियन ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग ठीक है ये हमारा राइट आंसर होगा हाँ ज्योत्सना ने बिल्कुल सही आंसर किया हाँ अभी सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए के साथ जाएगा मतलब वन के साथ जाएगा ठीक है थक गए सभी अभी बहुत कम लोग आ रहे हैं पता नहीं क्यों कम आ रहे हैं जो कि हम लोग थर्टी मैक्सिमम जुड़े रहते हैं आ, बट सभी सीरियस नहीं हो रहे हो पढ़ाई के लिए तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लिए क्योंकि अगर गिने चुने दिन देखो तो आपके पास वन मंथ है और आपको केवल सी डी पी ही नहीं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और सब जगह से ढूंढने से बजाय आपको सब एक जगह मिल रहा है हर ईयर का क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन मिल रहा है तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट तरीका है आप पढ़ने के लिए थोड़ा सा हाथ सर सब घुमा लो रिलैक्स हो लो फिफ्टीन क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं सभी थोड़े से लंबी सांस भरो पानी पियो उसके बाद आंसर करो थोड़ा मैं भी पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा रिलैक्स कर लो अपने बॉडी को उसके बाद करो जोश में कमी नहीं होनी चाहिए समय कितना भी लगे लेकिन आपके जोश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए ठीक है जोश भरपूर होना चाहिए हमेशा ये होना चाहिए कि हम सबसे बेस्ट करेंगे ठीक है हमें पास होने के लिए नहीं टॉप होने के लिए पढ़ना है सभी रिलैक्स हो लिए तो आगे बढ़े सभी फटाफट टेंशन करना ओके सभी रिलैक्स हो गए पानी वानी पी लो फिर आगे बढ़ते हैं और जो हमारा WhatsApp नंबर दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर वहां पे आप कॉल करो मैसेज करो तो आपको नोट्स के सब मिल जाएंगे ठीक है क्वेश्चन कराते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखना सभी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार किसी व्यक्ति को संदर्भित करने का सही तरीका जिसकी बौद्धिक कार्य प्रणाली में सीमाएं हैं विकल्प आपके सामने अकॉर्डिंग टू द राइट Rights of Person with Disability Act 2016, the correct way to refer to a person who has limitation in the intellectual functioning is mentally retired person with intellectual handicap, mentally handicapped person with intellectual disability. हाँ प्रियंका समय बहुत कम है पर थोड़ा सा माइंड को भी फ्रेशअप चाहता है ना बस मैंने वही कोशिश करी है काफी देर तक स्क्रीन पे देखते देखते भी आंखें क्या होती है मेरी तो चमकने लगती है सर क्लियर नहीं दिखती है कोई चीज सिक्सटीन का डी बोल रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं बिल्कुल सही है कि बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्ति होते हैं चलिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन तो आगे बढ़ते हैं बी नहीं होगा अक्षमता होंगे यानी डिसेबिलिटी वाले, वाले होंगे ना कि हैंडीकैप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूसिव ठीक है निम्नलिखित में से इंक्लूजन ठीक है

बच्चों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को सीखने में सक्षम बनाना शारीरिक सामाजिक और व्यवहार संबंधी बाधाओं को दूर करना श्रवण बाधित बच्चों के लिए अलग स्कूल होना क्वेश्चन नंबर सेवन का डी प्रियंका ने आंसर किया है डी हाँ बिल्कुल सही आंसर किया है कि समावेशी शिक्षा बाकी सब चीज़ों की बात करती है बट अलग से अगर किसी में किसी तरह की इम्पेयरमेंट है तो उसको हम अलग से शिक्षा नहीं बल्कि सबके साथ शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे तो 17 का जो होगा फोर्थ इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन रंजन अपनी दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है क्योंकि वह दूसरों के साथ आंखों के संपर्क से बचता है और अकेले एक के साथ खेलता है एक ही ही जो उसके पास उसके पास खिलौना साथ ही खेले रहता है पूरे दिन पंखा को देखता है राजन का व्यवहार निम्नलिखित में से किसके प्रति इंगित करता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑटिज्म इस, स्पेक्ट्रम विकार डिस्कैकुलिया या डिस्फोरिया Ranjan appeared to be lost in in his world as a avoid eye contact with other and plays alone with a further thaw throughout the day Ranjan's behavior is indicating toward which of the following disorder muscular dy uh, dystrophy autism is, uh, spectrum disorder dyscalculia dysphoria क्वेश्चन नंबर एटीन का सभी आंसर करना लेखनी क्या कह रही हैं नहीं पूछे हैं मैम डी बोल रहे हैं सभी जो बच्चे आई कांटेक्ट में वीक होते हैं दूसरों से नजरे मिलाते हैं और अकेले खेलना यानी दूसरों के भावनाओं को वो उतने अच्छे से समझ नहीं पाते अपने आप को अकेला रहते हैं ना वो किस में होते हैं ऑर्टेज बिहेवियर होता है उनमें कि इनका आई कांटेक्ट दूसरों के साथ अच्छा नहीं होता है ये एक्सप्रेशन जो होता है ना दूसरों से ज्यादा घुल मिल के रहना पसंद नहीं करते हैं ये अकेले अपनी दुनिया में खोए रहते हैं तो बी इज द राइट आंसर होगा यानी सेकेंड एटीन का ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नाइनटीन की तरफ पाठ पढ़ते समय चूक उलटफेर और प्रतिस्थापन करने में कठिनाई का संकेत डिफिकल्ट इज मेकिंग ओमिजिन रिवर्स एंड सब्स ट्यूशन रीडिंग टेक्स इन इंडिकेशन ऑफ डिसोनिया डिस्लैक्सिया डिस्कैकुल या डिस्फो डिस्फोरिया नाइनटीन का सभी आंसर करना Have... 19 का भी कह रहे हैं सभी सही है कि इसका जो रा, राइट आंसर होगा वो हमारा डिसलेक्सिया होगा पठन विकार से जो भी संबंधित होगा वो हमारा डिसलेक्सिया में आएगा ठीक है सभी का राइट आंसर आ रहा है चलिए तो समय नहीं बर्बाद करते हैं डोंट वेस्टिंग आवर टाइम उपन्यास और असामान्य तरीकों से कुछ के बारे में सोचने और अद्वितीय अद्वितीय के साथ आने की क्षमता किसी समस्या के समाधान को कहा जाता है द एबिलिटी टू थिंक अबाउट समथिंग इन नॉबल एंड अनयूजल वे टू कमिंग अप विथ यूनिक सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटीन का करिएगा इम्पल्सिविटी रिवर्सिबिलिटी एक्टिविटी या क्रिएटिविटी आवेग प्रतिवर्तिता, अति सक्रियता या रचनात्मकता किसी भी चीज के बारे में असामान्य तरीके से सोचना कई ऑप्शंस के साथ सोचना ये किस में आता है हाँ ट्वेंटी का डी बिल्कुल राइट आ रहा है आंसर आप सभी का सेजल जोसना जरीन, सभी ने बिल्कुल सही किया है इसका जो होगा वो क्रिएटिविटी होगा यानी कि रचनात्मकता होगा आंसर right हाँ प्रियंका कुमारी माही आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा की सुविधा के लिए एक पाठ और फलों और सब्जियों के कुछ चित्रों का उपयोग करता है छात्र इन विवरणों को पिछले ज्ञान के साथ जोड़ते हैं और पोषण के अवधारणाओं को सीखते हैं इस दृष्टिकोण पर आधारित है सीखने के कंडीशनिंग पर सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत सीखने का संचालक कंडीशनिंग या ज्ञान का निर्माण अ टीचर यूजेस अ टेक्स एंड समिक्चर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल टू फैसिलिट facilitate फैसिलिटेट

तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में जाएगा तो जो इसका राइट right आंसर होगा वो हमारा फोर होगा हाँ ट्वेंटी वन का फोर सभी का आंसर राइट right आ रहा है इसके लिए तो यहां समय नहीं बर्बाद करते हैं आगे बढ़ते हैं श्रीजा का दृढ़ता से मानना है कि वह पिछली बार की तरह आगामी गणित परीक्षा में असफल हो जाएगी और विषय में प्रयास करना बंद कर दिया इसके अलावा उसके शिक्षक उससे कम उम्मीद रखते हैं एक तो वो खुद ही होपलेस है और जो टीचर भी उससे एक्सपेक्टेशन है वो कम है श्रीजा को ऐसा लगता है क्योंकि क्यों लगता है ऐसा कि आलसी और कोई एक व्यक्ति जो बहाने बनाता है सीखी हुई असहायता का अनुभव करना पलायनवाद के लिए प्रबड़ या एक तर्क संगत निर्णय निर्माता के रूप में श्रीजा स्ट्रॉन्गली बिलीव दी विल इन द अपकमिंग जस्ट लाइक द प्रीवियस टाइम एंड हैज स्टॉप एक्सर्टिंग एफर्ट इन दब्जेक्ट ऑल्सो हर टीचर होल्ड लो एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ हर श्रीजा सीम्स टू बी लेजी एंड सम वन हु टू का बी कह रहे हैं हाँ बिल्कुल सही आ रहा है कि उसने सीखी हुई असहायता का अनुभव किया यानी कि एक्सपीरियंस है उसे और वो हेल्पलेस अपने आप को पा रही है तो ये इसका राइट right आंसर होगा टू ट्वेंटी टू का जो आंसर जाएगा वो हमारा टू के साथ जाएगा ठीक है कि वो पिछली बार की तरह एग्जाम में फेल हो जाएगी ऐसा वो लगता है और अपने आप को बहुत निसहाय पाती है असहायता महसूस करती है और जो उसके टीचर भी है वो भी कहते हैं कि तुम फेल ही हो जाओगी तो ये क्या होती है असहायता का अनुभव करना ठीक है हाँ ट्वेंटी टू का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है चलिए ट्वेंटी थ्री पे जाते हैं इन अबीर्स क्लास चिल्ड्रेन पार्टिसिपेट इन द वाइड रेंज ऑफ चैलेंजिंग एक्टिविटीज अलोंग विथ टीचर एंड पीयर्स टू ज्वाइंटली कंस्ट्रक्ट नॉलेज दिस टाइप ऑफ क्लास रूम विल बी कॉल्ड सोशल कंस्ट्रक्टिविटीज इंडिविजुअल कंस्ट्रीबिट या ट्रेडिशनल क्लासरूम मल्टीलिंगुअल क्लासरूम ट्वेंटी थ्री का सभ्य आंसर करना अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक के साथ चुनौतीपूर्ण गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में भाग लेते हैं और साथियों को संयुक्त रूप से ज्ञान का निर्माण करने के लिए इस प्रकार की कक्षा को कहा जाएगा सामाजिक रचनावादी व्यक्तिगत रचनावादी पारंपरिक कक्षा या बहुभाषी कक्षा प्रियंका बोल रही ट्वेंटी थ्री का डी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना प्रियंका कि अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक के साथ चुनौतीपूर्ण गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला यानी कि समूह में रह के कार्य कर रहा है भाग लेते हैं और साथियों को संयुक्त रूप से जहां पे समूह में एक साथ मिल रहे हैं वहां पर हम क्या कर रहे हैं जो ज्ञान का निर्माण हो रहा है वो सामाजिक रूप से कर रहे हैं तो इस प्रकार की कक्षा जो कही जाएगी वो सामाजिक रचनावादी होगी सोशल कंस्ट्रक्टिविटीज होगा ना तो राइट आंसर जो हमारा जाएगा वो वन के साथ जाएगा ठीक है हाँ ज्योत्सणा ने आंसर किया है सही हाँ लखन ने भी किया है ए तो इसका जो राइट right आंसर होगा वो हमारा ए होगा हाँ जरीन का भी आंसर सही आ रहा है आप लोग कंफ्यूज लग रहे थे बहुभाषी यानी विविध क्षेत्र से जब क्षेत्र से जब बच्चे आते हैं ना तो वो मल्टीलैंग्वेज में आते हैं बट कक्षा में एक ही कार्य को विस्तृत श्रृंखला यानी कि बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर कार्य को कर रहे हैं नए ज्ञान का सृजन कर रहे हैं नए ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं तो वो समूह में रह के कर रहे हैं तो ये क्या होता है सामाजिक रचनावादी होगा इसका आंसर हाँ, लेखनी ने भी एक कहा है हाँ, सभी का आंसर अभी सही आने लगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 24 फोर विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रेटजी डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी ड्रिल एंड प्रैक्टिस डिस्कशन बेस्ड क्लासरूम इसमें से सही ऑप्शन को आपको चुनिए बताना है कि कौन सा राइट होगा ठीक है सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना और उसमें से सही आंसर को बताना है आपको कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित लिखित में से किस शैक्षणिक रणनीति का प्रस्ताव करती है पूछताछ आधारित अधिगम कहानी कहने पर आधारित शिक्षा शास्त्र ड्रिल और अभ्यास चर्चा आधारित कक्षाएं तो इसका राइट आंसर क्या होगा 24 का ए माही बोल रही है ए माही ने फटाफट आंसर किया है हाँ हिंदी भी दिखा दी हूं मैं हाँ सही है इसका जो राइट आंसर होगा जो पूछताछ भी होगा छोटे बच्चों को हम कहानी बेस्ड भी चीजें पढ़ाते हैं सिखाते हैं वो भी सही होगा और चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन को भी वैल्यूबल माना गया है तो जो हमारा ये तीनों आंसर जाएगा वो राइट होगा ड्रिल और अभ्यास करना इसको नहीं सही माना जाता है तो माई ने अपना आंसर क्यों चेंज किया माही आपने आंसर पहले आपने सही किया था कहाँ कन्फ्यूजन हो गया आपको सॉरी हाँ मैंने भी गलती कर दी इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सेकेंड होगा फोर्थ होगा ठीक है हाँ माही आप सही बोल रही हैं बी होगा थर्ड नहीं इसमें इंक्लूड होगा जो फोर्थ होगा सही है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सही होगा थर्ड वाला ऑप्शन गलत है ठीक है तो इसका जो राइट right आंसर होगा हमारा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ होगा सेकंड आंसर सही है हाँ माही मैंने वो थर्ड का वो नहीं देखा सीधे उस पे आंसर पे बताने लगे ठीक है तो बी ही होगा हमारा राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रिफरिंग टू सिमिलर प्रॉब्लम टू अराइव एट अ सॉल्यूशन फॉर गिवन प्रॉब्लम इज रिफर्ड एज एनालॉजिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग या मैनिमोनिक या मीन्स एंड एनालिसिस दी गई समस्या के समाधान पर पहुंचने के लिए समान समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा गया कि सादृश्यता परिकल्पना परीक्षा या मेमोनिक्स या फिर साधन अंत विश्लेषण हाँ सेकंड जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का सेकंड ही राइट right आंसर है ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का सभी आंसर करना कि दी गई समस्या के समाधान पे पहुंचने के लिए समान समस्याओं के उल्लेख करते हुए कहा जाता है यानी एक समस्या जो हल हो चुकी है उसी तरह की दूसरे प्रॉब्लम में अगर डाला जाए तो उसे हम क्या कहेंगे क्वेश्चन को देखिएगा रिफरिंग टू सिमिलर प्रॉब्लम यानी एक ही जैसी प्रॉब्लम को दिया जा रहा हो तो सोल्यूशन uh, के लिए कौन सा वो uh, प्रॉब्लम कहा जाएगा एनालॉजिक हैपोथिसिस मेमोनिक्स या फिर मीन्स एंड एनालिसिस अगर एक जैसे ही प्रॉब्लम बार बार दिए जाएंगे तो उनमें क्या होगा एनालॉजिक यानी सादृश्यता एक जैसा दिखने वाला तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी तो पर्टिकुलर सेम ही जैसा आएगा तो इसका जो राइट right आंसर होगा वो एनालॉजी होगा यानी कि सादृश्य एक जैसे दिखने वाले समस्या ठीक है थीके? हाँ मालती जी ने जो आंसर किया है बिल्कुल राइट किया है थैंक यू अवनी जी हाँ 25 का ए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप सभी लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जैसे अवनी जी ने कहा तो काफी हेल्पफुल होगा ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए ठीक है ना हाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट मैप्स हेल्प इन फैसिलेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट बाय अवधारणा मानचित्र द्वारा अवधारणाओं को समझने की सुविधा में मदद करते हैं जानकारी को संश्लेषित और व्यवस्थित करना उप अवधारणाओं को हटाना सामाजिक संदर्भ से जानकारी डिसकनेक्ट करना या रिकॉल पर आधारित जोर देना पुटिंग ओवर इंफेसिस ऑन रिकॉल थर्ड है बाई डिस्कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर सोशल कॉन्टेक्ट रिमूविंग सब कॉन्सेप्ट और सिंथेसिजिंग एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन ट्वेंटी सिक्स का सभी करना कि अवधारणा यानी जो भी हम माइंड मैपिंग करते हैं वो क्या है ठीक है कॉन्सेप्ट ऑफ मैप्स जो हम माइंड मैपिंग करते हैं जो मैप हम एक अपने दिमाग में किसी कॉन्सेप्ट को लेके बना के चलते हैं तो वो किस तरह की सुविधा हमें देगी ये बात आपसे क्वेश्चन कर रहा है हाँ तो सेजल ने जो आंसर किया है वो होगा बिल्कुल सही कि जानकारी को क्या कर रहे हैं हम संश्लेषित कर रहे हैं और उसके बाद उसको व्यवस्थित कर रहे हैं ठीक है तो इसका जो राइट आंसर होगा जो भी हम माइंड मैपिंग दिमाग में किसी भी प्रॉब्लम्स को लेके चलते हैं ना माइंड मैप बनाते हैं दिमाग में किसी भी प्रॉब्लम्स को लेकर तो वो चीजें क्या करते हैं हम अपने दिमाग में बैठा रहे हैं उसको कई तरीकों से सोच रहे हैं ये सब चीजें जो होती है उसको हम संश्लेषित कर रहे हैं और अपने दिमाग में उसको व्यवस्थित भी करते चल रहे हैं ठीक है सिंथेसिस कर रहे हैं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को ठीक है तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा वन होगा ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन की तरफ बढ़ते हैं एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग आर इंडिकेटिव ऑफ ऑप्शन जो है द नीड फॉर मोर ड्रिल एंड प्रैक्टिस परमानेंट कॉग्निटिव इनिटीज टू लर्न इन एबिलिटीज टू लर्न सॉरी परमानेंट कॉन्गिनेटिव इनएबिलिटीज टू लर्न क्वालिटेटिव डिफरेंस इन चिल्ड्रंस थिंकिंग एस कंपेयर टू एडल्ट जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन क्या है सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां अधिक ड्रिल और अभ्यास की आवश्यकता है सीखने के लिए स्थायी संज्ञानात्मक अक्षमताएं हैं या बड़ों की तुलना में बच्चों की सोच में गुणात्मक अंतर होता है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर अनुवांशिक प्रभाव होता है हाँ सभी का आंसर ट्वेंटी सेवन के लिए जो सी आ रहा बिल्कुल सही है कि बड़ों के जो थिंकिंग होती है बच्चों से अलग होती है तो इनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है गुणात्मक होता है ठीक है हाँ चलिए ट्वेंटी सेवन का आंसर सी uh, किया सभी का बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं कि एक शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वह खुद को छात्रों के स्थान पर रखने की क्षमता रखे और महसूस करता है कि क्या वे महसूस करते बिल्कुल सही बात है कि टीचर को भी अपने स्टूडेंट की फीलिंग्स को समझना है तो वो किस तरह समझेगा कि स्टूडेंट को uh, अपने आप को स्टूडेंट की जगह पर रखे ठीक है तो यह क्षमता क्या कहलाएगी सहानुभूति तदानुभूति उदासीनता या पराबोध सिम्पैथी इम्पैथी अपैथी या गिल्ट 28 का सभी आंसर करना इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू हैव द एबिलिटी टू पुट हर सेल्फ इन स्टूडेंट प्लेस एंड फील वॉट दे फील दिस एबिलिटी इज कॉल्ड सिंपैथी इमपैथी अपैथी या गिल्ट ठीक है सिमपैथी तो वो होगा ना कि जब आप छात्र के आ, से बहुत दया आ रही है वो कार्य नहीं कर पा रहा आप उसके ऊपर दया ले रहे हैं तो ये चीज आपको सिम्पैथी नहीं करनी है बच्चों से सहानुभूति नहीं बल्कि उनकी फीलिंग्स को आपको समझना है कि वो किस तरह से फील करते हैं फिर आप उसको अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे या नहीं कि तुम नहीं लिख पाते चलो छोड़ दो मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है तुमको लोअर वर्क दे दे ये सब हमें नहीं कराना हमें बच्चे को आगे प्रमोट करना है कि ठीक है तुम्हारे अंदर ये कमी है मैं समझ रहा हूँ चलो इसको हम दूसरी तरीके से पढ़ते हैं दूसरी तरीके से समझते हैं तो ये होती है तदानुभूति यानी एमपैथी होती है ठीक है उसके फीलिंग्स को समझ के उसके अकॉर्डिंग हम उसके बिहेवियर में चेंज लाते हैं उसको तर... नए तरीकों से सिखाने की कोशिश करते हैं ठीक है हाँ तो इसका जो राइट होगा हमारा इम्पैथी होगा ठीक है तदानुभूति दूसरे के फीलिंग्स को समझना या हम कह सकते हैं गार्डनर उसमें के उसमें लेके कि इंटरपर्सनल चलिए ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन की, की तरफ बढ़ते हैं इन अचुएशन वेन आउटकम इज अनसर्टेन बट फोकस इज ऑन फेलियर अ चाइल्ड इज लाइकली टू एक्सपीरियंस यानी रिजल्ट हमारा आया नहीं और हमने अपने आप को हमारा क्या है कि हम तो फेल ही हो जाएंगे मैक्सिमम लोग ज्यादा ये होते हैं जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है वो क्या सोचते हैं कि परीक्षा तो परिणाम अनिश्चित है अभी हमें पता नहीं कि रिजल्ट क्या आने वाला है लेकिन हमारा क्या है कि लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा इस बार पास नहीं हो पाऊंगा तो इस तरह का एक्सपीरियंस बच्चे में क्या होता है ठीक है एंगर या शेम ठीक है बोरियत चिंता क्रोध या शर्म की बात होती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का सब फटाफट आंसर करना ट्वेंटी नाइन का बी हाँ बिल्कुल सही आ रहा है इस तरह की जो चिंता है ना हम अपने रिजल्ट के बारे में पहले से ही चिंतित हो जाते हैं एनजाइटी हो जाती है लगता है कि हम इस बार पास नहीं हो पाएंगे है ना जबकि रिजल्ट अभी आया नहीं है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ट्वेंटी नाइन के लिए चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी विल नॉट स्ट्रेटेजी द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यूजिंग मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिविंग मल्टीपल ऑप्शन टू एक्सप्रेस द ओपिनियन अप्लाइंग मल्टीपल वेल टू एक्सेस द लर्निंग यूजिंग मल्टीपल वेल वेज टू लेबल द चिल्ड्रेन निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता में वृद्धि नहीं करेगी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा नहीं करेगी पूछ रहा है आपसे जानकारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए कई साधनों का उपयोग करना राय व्यक्त करने के लिए कई विकल्प देना सीखने का आकलन करने के लिए कई तरीकों को लागू करना बच्चों को लेबल करने के कई तरीकों का उपयोग करना इजी है आई थिंक सभी आंसर सही करोगे डी इज द राइट आंसर सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि बाकी तो हम सब करेंगे यूजिंग मल्टीपल वेज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन मल्टीपल वेज टू एक्सप्रेस और देयर ओपिनियंस अप्लाइंग मल्टीपल वेज टू एक्सेस लर्निंग है ना जो नहीं करना है हमें बच्चों को लेबल नहीं करना है ठीक है तो बी इज डी इज द राइट आंसर होगा ठीक है तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे इजी लगे या हार्ड लगे बताना सभी फटाफट आंसर करना बताना कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल आपको कैसी लग रही है पेपर्स कैसे आपको पूछे गए थे और आपकी इसके अकॉर्डिंग तैयारी कैसी है आप सही कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो हो जाता है ना पेपर देख के आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि आप इस चीज को कर सकते हो गुड जरीन ने ट्वेंटी एट स्कोर किया है वेरी गुड जरीन आई थिंक सभी ने अच्छा स्कोर किया होगा सभी का अच्छा आया होगा ओके okay, माई बोल रही इजी था चलिए तो ऐसे ही बहुत सारे हम करेंगे अगर मैं देखूं तो जो पिछले आपके एन uh, सेवेंटी uh, इसमें आए थोड़े से वो पेपर्स डिफिकल्ट थे पर आप सभी पेपर्स को अगर कर लेंगे ना तो इजीली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे जैसे अभी स्कोर कर रहे हैं प्रियंका बोल रही थी इजी था चलिए अच्छी बात है ट्वेंटी फाइव लखन का ट्वेंटी सिक्स ओके कोई बात नहीं माही बड़े बड़ों से हमसे भी गलती हो जाती है तो ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं है ओके ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर आउट ऑफ ट्वेंटी सेवन नंबर क्या ट्वेंटी फोर या ट्वेंटी सेवन था एक्चुअल में प्रियंका गुड स्कोर प्रियंका सभी के लिए सभी के लिए मेरी तरफ से आप लोग के लिए क्लैपिंग मैं आप लोगों के लिए क्लैप कर रही हूँ आप मुझे सुन सकते हो तो सभी का अच्छा स्कोर था सभी ने अच्छा प्रयास किया और ऐसे ही प्रयास करने के लिए रोज मेरे साथ जुड़ते रहिए थ्री पी पे ठीक है कल एक नए पेपर्स के साथ प्रीवियस ईयर के अभी हम ऑनलाइन ही क्वेश्चन करेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम और पीछे वाले करेंगे ठीक है थैंक यू फॉर थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी ठीक है ऐसे ही आप लोग रेगुलर रहिए क्लास में क्योंकि मुझे लगता है अगर आप रेगुलर क्वेश्चंस को कर लेंगे ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे थैंक यू ऑल ऑफ यू ठीक है सभी के लिए क्लैपिंग मेरी तरफ से और सभी एक दूसरे के लिए क्लैपिंग करना क्योंकि सभी बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हो मेरे लिए तो आप लोग बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हो और आप इससे भी बेटर कर सकते हो सारे सब्जेक्ट्स में ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं कल की क्लास में जिसको प्रॉब्लम है ज्वाइनिंग में आप देख लो चैनल को सब्सक्राइब करो प्ले लिस्ट में जाओ जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो वहां पर आप जाके देख सकते हो और जिनको नोट्स को हो ये नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आप इस नंबर पे जाओ कॉल करो मैसेज करो फिर अगर कुछ नहीं होता है तो करेंगे थैंक यू जरीन आप लोग भी बहुत अच्छे हो आप लोग का सपोर्ट है इसलिए हम रोज आते हैं क्लास लेने के लिए ठीक है आप लोग का सपोर्ट नहीं होता तो शायद इतने दिन क्लासेस नहीं चलती मेरी लेकिन आप सबका प्यार है आप सबका सब्जेक्ट्स के प्रति झुकाव है है जो वो है ना वो सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग वाकई कुछ करना चाहते हो और आ, मैं एक चीज ये कह सकती हूँ आप डेफिनेटली पास होने वाले हो और आगे के भी एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले हो ठीक है सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक की प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर योर सेल्फ चलिए आज के लिए बस इतना ही बाय ऑल ऑफ यू मिलते हैं कल की क्लास में